पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से फी फिक्सेशन कमेटी के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनके जो चेयरमैन हैं जस्टिस सुनील हाली, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो अपना जुडिशरी का माइंड यूज करके, दिमाग का इस्तेमाल करके नई नई फीस जो है वो पेरेंट्स से दिलवा रहे हैं प्राइवेट स्कूल वालों को। और ये भी कहा था कि ये लैंड ग्रैबर भी हैं। इस तरह के गंभीर आरोप जो थे वो लगाए गए थे, लेकिन अब पेरेंट्स के साथ जो प्राइवेट स्कूल की तरफ से लूट की जा रही है, कई कंप्लेंट्स हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, उसके ऊपर किस तरह का एक्शन हो रहा है और उन आरोपों के ऊपर जस्टिस सुनील हाले जो चेयरमैन है फी फिक्सेशन कमेटी के, वो क्या कहते हैं आइए जानते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। असल सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों के ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है, तो दैट शुड बी मेड नोन। आपके खिलाफ कोई कह देगा जी आप ऐसा करते हैं, तो दैट डजंट मीन दैट इट इज अ फैक्ट। आई हैव बीन अ जज ऑफ दिस हाई कोर्ट, मैं 3 साल यहां, 4 साल रहा हूं यहां पर। एवरीबडी नोज माई रेपुटेशन, एवरीबडी नोज मी वेरी वेल, मैं क्या हूं। अब जिसने भी आरोप लगाए हैं उसका क्रेडेंशियल देख लीजिए, वो कौन आदमी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कहां से मैनेज करता है, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड। देखिए, हर एक आदमी का तो एक्टिव्स तो बने, ऐसे हम तो नहीं कहते ना बने जी। लेकिन उसका बैकग्राउंड तो आपको, यू मस्ट कीप इन माइंड हिज बैकग्राउंड, आदमी है क्या, कहां से आता है। आप मेरे खिलाफ नहीं ली, सेक्रेटरी साहब के खिलाफ भी लगाए, ये नहीं आपकी बात मैं कर रहा हूं। मैं अभी एक साल ही, मैं एक महीना हो गया था मुझे, 15-20 दिन हो गए थे मुझे ज्वाइन किए हुए। ही स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट मी, ही डिडंट, मैंने कोई ऑर्डर नहीं था, मैं भी ज्वाइन ही कर रहा था, मई में इसने बड़ी कंप्लेन। अब इस आदमी का काम यही है, तो इसको क्या मुंह लगना है, इसके किसके मुंह लगने, ही इज नॉट वर्थ इवन डिस्कसिंग। आप स्वयं जज रहे हैं, आप जानते हैं कि किसी के ऊपर भी नाम लेकर आरोप लगाना मतलब ये कितना गंभीर है। आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इसके पीछे? यस, वी आर कंटेम्प्लेटिंग एन एक्शन अगेंस्ट यू, यस वी आर कंटेम्प्लेटिंग। गवर्नमेंट लेवल पे चल रहा है मसला, ही इज बिकम अ न्यूसेंस फॉर एवरीबॉडी। ये स्कूल में जाता है, दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड, स्कूल में जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए, वहां सीओ को उनका रिकॉर्ड मांगता है, हु इज ही, व्हाट इज हिज स्टेटस, ये आदमी है कौन, इसके क्रेडेंशियल पता कराओ ना, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो भी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टर भी रहे, तो उन्होंने भी पहले कई बार आरोप लगाए, ब्लैकमेलर है ये, इस तरह के आरोप, और बाद में वो सुसाइड होते। देखिए देखिए देखिए, हर एक चीज का एक सिविलाइज तरीका होता है। आप एक सिविलाइज आदमी है, कोई आपको सड़क पे कोई ऐसा कोई आदमी कुछ कह देगा, वुड यू लाइक टू फेस, क्यों करेंगे आप? I'm a retired high court judge. I'm enjoying the status of high court judge. अब मैं गटर लेवल पे आ जाऊंगा, should I come to that gutter level? ये आप लोगों का भी रोल है, देखिए इनके क्रेडेंशियल क्या हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्या बैकग्राउंड है इसका। GDA की एक लैंड कह रहे थे, वो है भी कि बताइए ना कौन सी लैंड है मेरे पास, एक मकान है मेरा मनोरमा बिहार में, वहां देख लीजिए। GDA ने कह रहे डिटेल शेयर की है कि उसमें आपका दिखाया ना कौन सी स्टेल है, डिटेल, लेट हिम शो द डिटेल्स, लेट हिम शो द डिटेल्स। कोई आपके पास कौन से कहां से आ गई GDA, कोई डिटेल्स बताए ना हमें कहां से है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि वो उन्होंने कहा कि आपने एडमिशन फी तो प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक नई फी आपने इंट्रोड्यूस की है और वो 12-12 हजार पे प्राइवेट न्यू एंट्रेंस फी, वो मेरे प्रोड्यूसर ने किया है शुरू, जो यहाँ पर मेरे जो पहले कौन सी फीस है वो उनको फर्स्ट एडमिशन दिया है। अब हुआ क्या है, देखिए व्हाट वाज द बैकग्राउंड, जो मुझे उसका पता नहीं है वो किस बैकग्राउंड में, वो उनमें जो मैं अतार साहब यहाँ पहले थे चाहिए, ये उनकी उन्होंने पहले शुरू किया, ये उन्हें स्कूलों का ये इंट्रोड्यूस किया है। उसका एक आइडिया था कि उनकी एडमिशन फीस बैन हो गई है तो स्कूल्स हैव टू बी गिवन सम बेनिफिट, तो दैट प्रैक्टिस हैज टू कंटिन्यू, हाउ कैन आई डिसकंटिन्यू दैट प्रैक्टिस। किस बात का बेनिफिट, क्योंकि ये तो सीधा सीधा पेरेंट्स के जेब पर डाका है। नहीं, है डाका, बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, कोई चीज अगर रेगुलेट हो जाती है, एडमिशन फीस, देखो श्रीनगर में कंप्लेंट्स है, यहां भी कंप्लेंट्स है, एडमिशन फीस लेते हैं लोग, लेते हैं, तो उसको कैसे चेक करें, उसको रेगुलेट कैसे करें, हम रेगुलेट करने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए ना।
अगर स्पेसिफिकली उनको कहेंगे भाई आप देखिए, वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द स्कूल, स्कूल में जो इन्वेस्ट करता है पैसा, देखिए कोई चैरिटी तो करता कोई नहीं, कहने को तो चैरिटी होती है लेकिन चैरिटी तो कोई करता नहीं है, रूल्स तो यही है करते नहीं है। That we take control, that we take care, जब हम देखते हैं 1-15% का प्रॉफिट मार्जिन को देना है तो चैरिटी तो नहीं है, इट्स अ चैरिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके हिसाब से तो ये फीस, एडमिशन फीस ले नहीं सकते हैं। अब उनके दिमाग में क्या था उस वक्त, what weighed in his mind, उन्होंने वन टाइम रख दिया, वो भी फॉर वन ईयर ही होता है। अब सिलेबस भी बताऊं मैं बात, नए सेशन में जाते ही बच्चे को वन टाइम ये देना है, बस वन एक ही टाइम देना होता है बस, नॉट बाकी वही पुराना। एक तो एनुअल फी चार्ज कर रहे हैं, ट्यूशन फी चार्ज कर रहे हैं, फीस एक ही बारी मिलेगा ना उसको, वही एनुअल फीस देना है, तो जब नेक्स्ट ईयर जाएगा जो सब स्कूल बच्चे देते वही देना पड़ता है। एनुअल फी के अलावा न्यू एंट्रेंस फी जो इंट्रोड्यूस की, न्यू एंट्रेंस फीस, आरोप तो ये भी है कि ये जो ऑर्डर किए जा रहे हैं अंडर द टेबल किए जा रहे हैं, वेबसाइट पे अपलोड भी नहीं किए जाते हैं। हाँ, उसका एक रीजन बताऊं मैं, रीजन सब ऑर्डर अपलोड होते हैं, यहाँ पर हमने एक गवर्नमेंटिंग ऑर्डर निकाला कि प्रोसेसिंग फीस आप चार्ज कीजिए बच्चों से, मतलब स्कूलों से जो आते फाइल भरने, दैट इज अंडर द एक्ट, दैट इज प्रोविजन अंडर द एक्ट। तो क्या होता है कि हम जब अगर फाइल की वो फिर दे डोंट डिपॉजिट, तो इन्होंने फीस डिपॉजिट नहीं की थी, तो हमने सबकी फीस डिपॉजिट करके हमने वेबसाइट पर चढ़ा दी। ये जो ऑर्डर था न्यू एंट्रेंस पर, क्या न्यू एंट्रेंस वाला, न्यू एंट्रेंस फी जो है उसका ऑर्डर वेबसाइट पे पब्लिश नहीं था। नहीं, सबका होता है जो बहुत हर जगह पब्लिश पे होता है, किसने कहा आपको, कोई पढ़े सही तो उसमें, जिसका भी हमने बढ़ाया वो पढ़े तो सही। एक और आरोप है कि आपने लगभग कुछ 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनको ये परमिशन दे दी है कि वो ये 10-12 हजार रुपए ले सकते हैं। 100 का तो मुझे अंदाजा नहीं, दिए हमने भी फॉलोइंग द प्रीवियस प्रेसिडेंट। कुछ स्कूलों ने तो अपनी जो जानकारियां आपके साथ शेयर की हैं उनके हिसाब से पर हेड वो सैलरी जो अपने एक एम्प्लॉई को दे रहे हैं वो 72 हजार से ज्यादा है। वो तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, वो शायद किस स्कूल की बात कर रहे हैं आप, आपको स्कूल का भी पता होगा किस स्कूल का बुलाए हमने, डिटेल्स आई है हमने। अच्छा, देखिये 374 है उनका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ, ठीक है जी, 394 का स्टाफ का हर साल का एक साल का सैलरी बनता है 11 करोड़ 50 लाख 573 5। उसके बाद उनका ग्रेचुटी होता है 36 लाख, ASI होता है 10 लाख, EPF होता है 10 लाख से कितना बनता है, ये दिस इज द स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट, ये कानून देनी पड़ती है उनको, ये स्कूल वाले देते हैं, दैट्स व्हाट दे रिफ्लेक्ट। और उसके हिसाब से हम ये बनता है 13 करोड़ 18, और ये एवरेज बनता है 24 हजार या 22-23-24 हजार से ज्यादा नहीं बनता एवरेज फीस। 72 हजार कहां से बन गया, वही मैं कह रहा हूं ना आपसे कि जो फैक्ट्स वेरीफाइड नहीं होते हैं, जो जबाने बोले जाते हैं। स्कूल की तरफ से ही जानकारियां शायद साझा की, अब स्कूल का नाम तो हम क्योंकि किसी का नाम लेकर हम उसको वही उसी यही इसी ऑर्डर के बेस पे किया ना, उसी के बेस पे किया ना कि मैंने बनाया वो। आपके हिसाब से कितनी सैलरी दे रहे हैं ये पर मंथ एक एम्प्लॉय को, ये डिफरेंट सैलरीज डिफरेंट एम्प्लॉयज की होती है। एक स्कूल की बात करें जिसका डेटा जिक्र कर रहा है उसके डिफरेंट है, आपको इफ यू वांट सी द फाइल आई कैन शो यू, इफ यू वांट मैं आपको दिखाता हूं। मैं सिर्फ इतना जानना रहा हूं मतलब पर हेड कितना होगा, कितना एवरेज निकाला हमने 24 हजार बनता है एवरेज, मतलब इसका निकाल जितने एम्प्लॉयज उनको डिवाइड कीजिए उसके हिसाब से निकलता है 24 हजार, किसी की 30 होती है, किसी की 35 होती है, किसी की 25 होती है, डिपेंड करता है उसकी क्वालिफिकेशन पे, स्कूल वाले करते हैं। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, कमिटी का रोल is only limited to the fixation of fees. उसके अलावा ये मैनेजमेंट जो इनकी है उस एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से मैनेजमेंट का रोल सारा उनका होता है स्कूल का, वी कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर मैनेजमेंट। स्कूल जहां पर अब सैलरी कम होती है तो हर डायरेक्शन जाती है कि 20%, इसमें इस स्कूल में हमने कहा था 20% सैलरी बढ़ा दो, इंक्रीज सैलरी बाई 20%। स्कूल फी फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल ले रहे हैं, कोई फी स्ट्रक्चर सभी स्कूल्स को दे दी गई है, वो अप्रूवल सबको दी गई है, इट इज ऑन द वेबसाइट, यू कैन चेक इट। और ये लोग ये सभी स्कूल वाले ले रहे हैं उसी हिसाब से फी की लूट मचा रहे हैं, तो वो तो पेरेंट्स ने बताना हमने, वो तो हम कहां पता होंगे, हाउ डू वी नो दैट वेदर दे आर चार्जिंग द सेम फीस और नॉट। पेरेंट्स की कंप्लेंट नहीं आती, कोई नहीं आता, किसी एक कंप्लेंट नहीं आई है, नॉट सिंगल कंप्लेंट इन दिस रेस्पेक्ट।
जितनी भी फीस हमने फिक्स की उसमें कोई नहीं है। जो पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से कहा गया, जो मैं जिनकी तरफ से आरोप लगे जिसके ऊपर आज आपने ओके, ही इज नॉट ए पेरेंट एसोसिएशन, इसका कोई रोल ही नहीं है, ये सेल्फ स्टाइल्ड पेरेंट एसोसिएशन है। पेरेंट एसोसिएशन अंडर रूल्स बनती है हर स्कूल की। आरोप तो है नहीं, आरोप लगाने से क्या होता है, आरोप तो लगते हैं। जो जो स्कूल का जो बनाया है ना, जो जो रूल्स है उसमें हर स्कूल में पेरेंट्स को एक एसोसिएशन बनानी है, दे हैव द राइट। बाकी कोई देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। मतलब इसके इसका आपके पास पुख्ता सबूत है क्या कि वो रिकॉग्नाइजेशन उसके पास नहीं है? कहां से है, अगर होती तो दिखाता, उसका बच्चा नहीं वहां पढ़ता तो हाउ कैन ही बी द पेरेंट्स एसोसिएशन? बच्चा पढ़ता है उसका वहां किसी स्कूल में, रिकॉग्नाइज करती है वही एसोसिएशन मानी जाती है। लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि फी फिक्सेशन कमेटी जो वेलफेयर के लिए बनाई गई थी, पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए बनाई गई थी, अब वो स्कूल्स की वेलफेयर करने लग गई है। कैसे, हाउ डू यू से दैट? जिस तरह के आरोप लगाए, आरोप तो जो मर्जी लगाए, आरोप लगाने का क्या होता, आरोप मैं आप आरोप लगाता हूँ जो आप ऐसा करते थे, आप शुड वी एक्सेप्ट दैट? कोई फैक्ट्स होगा बताइए, प्रूफ बताइए, शो मी द प्रूफ। कौन कौन सी फी जो है वो स्कूल्स अभी चार्ज कर सकते हैं पेरेंट्स से, ताकि लोगों को भी जानकारी हो कि कौन कौन सी फी वो चार्ज कर सकते हैं और उसके पैरामीटर्स क्या हैं? देखिए, एनुअल फीस, ट्यूशन फीस एंड ट्रांसपोर्ट फीस, नो अदर फीस। नई एंट्रेंस फी है ये एनुअल फीस में आती है ना, एनुअल फीस लिखा ना इसमें, एनुअल फीस है, एनुअल फीस है, उसमें थोड़ा सा हमको एनहांस दिया है, 3% या 4% को ज्यादा देते हैं कुछ स्कूल्स को दिया है, नॉट एवरी स्कूल। ये एनुअल फीस है, दिस इज नॉट ए सेपरेट फीस, इट्स नॉट एंट्रेंस फीस, ये एनुअल फीस ही है। अगर उसको 10,000 दे उसको कहते हैं तो 12,000 दो, क्योंकि और फर्स्ट एंट्रेंट, उसका एक रीजन होता है, लॉजिक ये होता है उसमें ये कि जिन स्कूलों ने पैसा दिया है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, दे कम एंड एंजॉय दैट, दे आर नॉट टू पे फॉर दैट, उसके बेसिस पे कहते हैं 2,000 या 3,000 ज्यादा दे दो जी, और कोई ज्यादा नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एनुअल फी ही है, एनुअल फीस है ये, दिस इज नॉट एंट्रेंस फीस, वो लिखा है उसमें एनुअल फीस। अच्छा, अगर किसी भी पेरेंट्स को कोई शिकायत होती है तो वो कैसे आपको कॉन्टेक्ट करें? या तो खुद पर्सनली आए, या कोई इनकी एसोसिएशन बनाए स्कूल की, एक आदमी आए या दो आदमी आए कंप्लेंट लेके, दूसरा आता है हमारी वेबसाइट पे डाल दे, ईमेल करे हमें, या हमें इन्फॉर्म करे, वी कैन सो मोटो आल्सो टेक एक्शन। अब स्वयं इंस्पेक्शन करते हैं स्कूल्स की, ये कौन कौन से, व्हाट एवर दे से वेदर दैट दैट रियली एग्जिस्ट हियर और नॉट। जैसे अभी ये भी आरोप है कि बुक्स लेने के लिए स्कूल वाले कहते हैं यहाँ से बुक्स, यूनिफॉर्म ले लो, ये आपका नहीं है, आपका खाली फी। हमारा बुक्स के साथ कोई नहीं है, किसी का एडमिशन कैंसिल होता है उसके साथ हमारा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ फीस के साथ, रेस्ट्रिक्ट कमिटीज रेस्ट्रिक्ट ओनली टू दैट एक्सटेंट, हमारा और कोई काम नहीं है। आप बुक्स कोई लेता है तो उसमें हम क्या करें, हमारा तो रोल ही नहीं, हम किस किसी कानून के तहत से एक्ट करेंगे, एक्ट ओनली अंडर लॉ। चलिए, शुक्रिया हमसे बात, और गुड नेम दीपक सिंह, दीपक साई।